मेरा नाम रेशमा है। मेरी शादी बचपन से ही मेरे पापा के दोस्त के बेटे प्रदीप के साथ तय हो गई थी। मेरे पापा के दोस्त और प्रदीप अक्सर ही हमारे घर आया करते थे, लेकिन मैं महसूस करती प्रदीप जब भी हमारे घर आता तो पता नहीं क्यों कुछ उकड़ा उकड़ा सा रहता। ना जाने मुझे ऐसा क्यों लगता कि प्रदीप मुझे पसंद नहीं करता है। वह ना तो मुझसे बात करता और ना ही मेरी तरफ देखता। उसके इस रवैये से मैं बहुत दुखी होती, इसलिए मैंने भी कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं की। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ हम दोनों बड़े हो गए। फिर एक दिन मेरे पापा के दोस्त ने कहा कि अब हमें अपने बच्चों की शादी करवा देनी चाहिए, अपनी इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देना चाहिए। मेरे पापा को भी इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं था। मुझसे बिना पूछे ही पापा ने प्रदीप से मेरी सगाई कर दी और सगाई के कुछ दिन बाद हमारी शादी थी। धीरे धीरे करके वह दिन भी आया जिस दिन मेरी शादी थी। और शादी होने के बाद मैं दुल्हन बन प्रदीप के घर आ गई। मैं दुल्हन बनी बैठी हुई अपने कमरे में काफ़ी देर से प्रदीप का इंतज़ार कर रही थी, मगर प्रदीप नहीं आए। जब काफ़ी रात हो गई तो मेरी सास मेरे कमरे में आई और कहने लगी, तुम सो जाओ, किसी कारणवश आज रात प्रदीप कमरे में नहीं आ पाएगा। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। मैं किसी तरह उठी और कपड़े चेंज कर बिस्तर पर लेट गई। दूसरे दिन मेरे पति प्रदीप मेरे कमरे में आए तो उन्हें देखकर मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि मेरे मन में कहीं ना कहीं डर था कि कहीं प्रदीप मुझे पसंद नहीं करते हैं और शायद इसलिए मुझसे दूर दूर रहते हैं। पर जब वो कमरे में आए तो यह डर भी दूर हो गया। प्रदीप अच्छे इंसान थे, वो मेरा ख्याल रखते, लेकिन वो थोड़े अजीब से थे। मेरे पास आते तो उनके अंदर एक घबराहट रहती, जिस वजह से हम दोनों के बीच एक अजीब सी झिझक थी। शादी के 2 महीने बाद प्रदीप की दुबई में नौकरी लग गई। उनके नौकरी की खबर सुनकर घर में सभी बहुत खुश थे और मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि मुझे उनके साथ दुबई जो जाना था। मैं खुशी खुशी दुबई जाने की तैयारी करने लगी, क्योंकि मुझे यकीन था कि मेरे और प्रदीप के बीच में जो फासले है वो दुबई जाने के बाद ख़त्म हो जाएंगे। शायद घर वालों की वजह से प्रदीप मुझसे ज़्यादा घुल मिल नहीं पा रहे हैं। दुबई जाने के एक दिन पहले प्रदीप ने कहा, मैंने रात को रेशमा के बारे में एक बहुत बुरा सपना देखा है। यह सुनकर मेरे ससुर जी बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा, मैं रेशमा को अभी तुम्हारे साथ दुबई नहीं जाने दूंगा। जब तुम कुछ दिन वहाँ पर रह कर आओगे और जब वहाँ सब कुछ ठीक रहेगा, फिर दोबारा इसे अपने साथ लेकर जाना। मेरे ससुर जी बहुत वहमी किस्म के इंसान थे, बुरा सपना सुनकर ही डर गए थे। पर जब मुझे पता चला कि मुझे प्रदीप के साथ दुबई नहीं जाना है, यह सुनकर तो मेरे सारे ख्वाब टूटकर चकनाचूर हो गए। मैंने प्रदीप से कहा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ज़रूरी नहीं कि सपने सच हो जाए। पिताजी से बात करिए और मुझे अपने साथ दुबई लेकर चलिए। मगर प्रदीप ने कहा, पापा कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि उनका फैसला पत्थर की लकीर की तरह होता है। एक बार इस बारे में मैं उनसे कुछ भी नहीं कह सकता। प्रदीप की बात सुनकर मेरा मन बहुत उदास हो गया। मैंने खामोशी से अपना सामान बैग से निकालकर अलमारी में रख दिया। शाम को प्रदीप दुबई के लिए रवाना हो गए थे और मेरे दिन यूं ही उदासी के साथ गुजरने लगे। प्रदीप का जब भी फोन आता तो वो सिर्फ अपनी माँ से बात करते, वो मुझसे बात करने की कोशिश भी नहीं करते। यह सब सोचकर मैं बहुत दुखी रहती। पर अचानक से कुछ दिन बाद मेरी ज़िंदगी में बाहर आ गई। मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे माँ बनने की खबर सुनकर घर में सभी लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने यह खुशखबरी प्रदीप को भी सुनाई। पर यह खबर सुनकर प्रदीप ने एक बार भी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। मैं कैसी हूँ, मैं ये जानना चाहती थी कि प्रदीप को मेरे प्रेगनेंसी की खबर सुनकर कैसा महसूस हुआ। मेरे प्रेगनेंसी की खबर सुनकर वो बहुत खुश भी है या नहीं, पर यह तो तब पता चलता ना जब वो मुझसे
बात करते। प्रदीप को याद कर मैं हर वक्त रोती रहती। मेरा रोना देखकर मेरी सास मुझे समझाते हुए कहती, बेटा रो मत, प्रदीप जल्दी आएगा और तुझे अपने साथ लेकर जाएगा। उस जमाने में फ़ोन किसी किसी के पास ही होता था। मैं सोचती कि काश मेरे पास भी अगर फ़ोन होता तो मैं भी अपने पति से बात कर सकती। ऐसी हालत में मुझे प्रदीप की कमी बहुत खलती। मेरी प्रेगनेंसी के दौरान ना तो प्रदीप आए और ना ही उन्होंने मुझसे फ़ोन पर कभी बात करने की कोशिश की। जैसे तैसे करके मेरा 9वां महीना गुजरा। कुछ दिन बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया। मैं बहुत खुश थी, सभी घर वाले बहुत खुश थे। अगले दिन हॉस्पिटल से जब मैं घर आई तो मेरे घर में खुशियां मनाई गई। तभी अचानक दरवाजे पर एक पंडित भिक्षा मांगने आया तो मेरे घर वाले ने उसे मिठाई दी, लेकिन वो भिखारी मिठाई लेने से इनकार कर दिया और कहने लगा, आपके घर जो बच्ची पैदा हुई है वो मनहूस है। उस भिखारी पंडित की बात पर सभी हक्का पक्का रह गए। मेरे कानों तक जब यह बात आई तो मैं भी बाहर निकल कर आई और उससे कहने लगी, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, आखिर कौन हो तुम। उस पागल भिखारी पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरे ससुर ने उस भिखारी से पूछा, तुमने मेरी पोती के बारे में ऐसा क्यों कहा। तो उस भिखारी ने कहा कि आप माने या ना माने पर यह बच्ची मनहूस है, उसकी मनहूसियत आपके घर को बर्बाद करके रख देगी। मेरे ससुर जी ने कहा, तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो। उसने कहा, इसके पैदा होते ही मुझे पता चल गया था, इसलिए तो मैं आया हूँ। इस बच्ची को 15 साल तक घर से और घर वालों से दूर रखना पड़ेगा, तब जाकर इसकी मनहूसियत दूर हो जाएगी और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस आदमी के मुंह से यह सब सुनकर मेरे ससुर जी तुरंत उठे और झूले से मेरी बच्ची को उठाकर तुरंत उस भिखारी के गोद में देते हुए कहने लगे, इसे तुम ले जाओ और जब यह बड़ी हो जाएगी तो वापस लेकर आना। यह सब देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। उस भिखारी के हाथ से मैंने अपनी बच्ची छीननी चाही तो मेरे ससुर जी ने मुझे रोक दिया। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर किसी ने मेरी एक न सुनी और वह आदमी मेरी आंखों के सामने मेरी बच्ची को लेकर चला गया। मेरे ससुर ने तुरंत फ़ोन करके प्रदीप को बताया कि तुम्हारी बेटी हुई थी पर मरी हुई पैदा हुई थी। मैं हर वक्त अपनी बच्ची को याद करके रोती रहती और उस आदमी को कोसती रहती कि कहाँ से मेरे दरवाजे पर आ गया। मैंने तो अभी अपनी बच्ची को ठीक से देखा भी नहीं था, बस मुझे उसके पैर की उंगलियाँ याद रह गई थी जिसमें काले रंग का एक निशान था। प्रदीप से फ़ोन पर मेरी बात तो हो नहीं पाती थी, अब मुझे उनके आने का इंतज़ार था। मैं हर रोज़ अपनी सास से पूछती कि वह कब आएंगे। मेरी सास मुझे तसल्लियाँ देती, कहती तुम चिंता मत करो, प्रदीप जल्दी आएगा। मेरा इंतज़ार इंतज़ार ही रह गया और मेरी शादी को बरसों गुजर गए पर प्रदीप नहीं आए। मैंने तो अब प्रदीप का इंतज़ार करना ही छोड़ दिया था, पर अब मुझे अपनी बेटी की फिक्र थी। उसकी जुदाई मुझे बर्दाश्त नहीं होती। मैं हर रोज़ अपने बेटी के लिए रोती। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता मैं सोचती कि शायद 15 साल बाद वह शख्स मेरी बेटी को लेकर आए, मगर अब मेरी बेटी को पैदा हुए 20 साल गुजर गए थे, यानी कि वह 20 साल की हो गई होगी पर वह नहीं आई। मेरी पूरी जवानी अपने पति और अपनी बेटी के इंतज़ार में गुजर गई पर वह दोनों ही नहीं आए। मेरे दिन कुछ यूं ही गुजर रहे थे कि एक दिन अचानक प्रदीप बरसों दुबई से आए। उनको इस तरह अचानक आता हुआ देख मैं हैरान थी कि इतने सालों बाद वो कैसे वापस आ गए, पर जो भी था मैं उन्हें देखकर खुश हुई और अपनी बेटी के जुदाई का गम उनसे रो रो कर कहना चाहती थी, मगर उनके साथ उस दुल्हन को देखकर सन्न रह गई। वह अकेले नहीं आए थे, उनके साथ एक औरत भी थी जो दुल्हन की तरह सजी धजी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उस लेडीज़ को अपने पति के साथ देखकर मैं हैरान थी कि क्या प्रदीप ने दूसरी शादी कर ली। यह सोचते ही मेरे आंखों से आंसू डबडबा गए। मैंने अपने गिरते आंसू साफ किए और सर से पांव तक उस दुल्हन का जायजा लेने लगी, पर अचानक मेरी नज़र उसके पांव पर पड़ी तो उसके पांव के निशान देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि यह तो वही निशान था जो मेरे बेटी के
पैरों पर था। बस यही एक निशान तो याद था मुझे अपनी बेटी का। ये मेरी ही बेटी है, तो क्या प्रदीप ने अपनी ही बेटी के साथ? यह सोचते ही मेरा दिमाग चकराने लगा। मैं यह सब बर्दाश्त ना कर सकी और अगले ही लम्हे बेहोश होकर गिर गई। प्रदीप मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, जहाँ इलाज के कुछ घंटों बाद मुझे होश आया तो सामने प्रदीप खड़े थे। उन्हें देखकर मैं रोते हुए कहने लगी, क्या अब यही देखना बाकी था? जो आप दुल्हन लेकर आए हैं वह कोई और नहीं, वह तो हमारी बेटी है। प्रदीप ने मुझे चुप कराते हुए कहा, तुम चुप करो और घर चलो, मैं सब कुछ तुम्हें बताता हूँ। मैं अंदर ही अंदर घुट रही थी कि हे भगवान, अब क्या कहने सुनने को बाकी रह गया है? यह सब देखने से पहले मैं मर क्यों न गई? मैं और प्रदीप दोनों घर पहुँच गए। घर पहुँचते ही प्रदीप ने कहा, आज मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी का सारा सच बताता हूँ। जब से मैंने होश संभाला तब से मुझे अपने पापा की पाबंदियाँ बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह हर वक्त मुझ पर टोका टाकी करते। कभी कहते इस कलर का कपड़ा पहनो तुम्हारे लिए शुभ होगा, तो कभी कहते ऐसे रहो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वो बहुत ही वहमी किस्म के इंसान थे। उन्होंने बचपन से ही मेरी शादी तुमसे तय कर दी थी। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, मैं अपनी पसंद से शादी करना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि पापा की पसंद से शादी करने से मुझे इनके हिसाब से रहना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं जब शादी करूँगा तो अपनी पसंद से करूँगा। लेकिन पापा ने ज़बरदस्ती मेरी शादी तुमसे करवा दी। शादी के कुछ महीने पहले मैंने नौकरी के लिए दुबई में अप्लाई किया था। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता था, यहाँ से भागना चाहता था। दुबई में मैंने काफ़ी कंपनियों में काम करने के लिए अप्लाई किया था और खुशकिस्मती से मुझे एक जगह नौकरी मिल गई। 2 महीने बाद जॉइनिंग थी। कुछ साल पहले मेरे कॉलेज में मुझे एक लड़की पसंद आई और मुझे उस लड़की से मोहब्बत हो गई। मुझे अच्छी तरीके से पता था कि मेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे, इसलिए मैंने चुपके से साधना से शादी कर ली। मैंने दुबई जाने के लिए अपने साथ साधना के भी कागजात बनवा लिए और उसे साथ लेकर दुबई चला गया। हम दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे। जैसा मैंने सोचा था मेरी ज़िंदगी बिल्कुल वैसे ही गुजर रही थी। कुछ दिन बाद पता चला कि तुम माँ बनने वाली हो। तुम्हारे माँ बनने की मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं थी, पर कुछ दिन बाद पता चला कि साधना भी प्रेग्नेंट है। साधना की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, पर यह खुशी सिर्फ चंद लम्हों की थी। प्रेगनेंसी के कुछ दिन बाद ही साधना सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई और उसका मिसकरेज हो गया। मिसकरेज होने के साथ साथ डॉक्टर ने यह भी बताया कि साधना अब कभी माँ नहीं बन सकती। डॉक्टर के मुंह से यह सब सुनकर तो हम दोनों पति पत्नी के सिर पर आसमान टूट पड़ा। साधना तो अपना सुदबुद्धि खो बैठी। वो हर वक्त रोती रहती, ना तो उसे खाने का ख्याल रहता और ना ही अपनी सेहत का। दिन प्रतिदिन उसकी सेहत बिगड़ती जा रही थी। उसकी सेहत को देखते हुए मैंने उसको एक वादा किया कि मैं अपनी पहली पत्नी का बच्चा उसे दे दूंगा। मेरे मुंह से यह सब सुनकर उसकी हालत में सुधार होने लगा और जब तुम्हारा 9वां महीना शुरू हुआ तो हम दोनों ने प्लान के मुताबिक इंडिया वापस आ गए। मैं तुम्हारी सारी खबर रखता था कि कब तुम हॉस्पिटल गई, कब तुम्हारा बच्चा हुआ और कब तुम घर आई। बच्चा होने के बाद जब तुम हॉस्पिटल से घर आई तो मैंने एक आदमी को भारी रकम देकर अपने घर भेजा, क्योंकि मैं तो जानता ही था कि पापा इन सब बातों पर विश्वास करते हैं। और फिर वो आदमी पंडित के भेष में भिखारी बनकर हमारे घर गया। मैंने उसे सब कुछ बता दिया और प्लान के मुताबिक मैंने जैसा सोचा था सब कुछ वैसा ही हुआ। वह बच्ची को लेकर हम दोनों के पास आया। मैंने उस आदमी से बच्ची को लेकर साधना की गोद में दे दिया। साधना बच्ची पाकर बहुत खुश हुई। इसके बाद फिर हम दोबारा दुबई वापस चले गए। हमने अपनी बेटी को बहुत प्यार से पाला पोसा। जब हमारी बेटी 20 साल की हुई तो दुबई में उसे एक लड़के से प्यार हो गया। वह लड़का इंडिया का ही था, दुबई में रहता था। हम दोनों को यह रिश्ता बहुत पसंद था, पर लड़के के घर वाले यह शादी दुबई में ना करके अपने पुश्तोनी घर से करना चाहते थे, इसलिए हम सभी इंडिया आए। शादी आज ही थी, पर अचानक
साधना के दिल में दर्द होने लगा। हम सभी उसे हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने कहा कि साधना को दिल का दौरा पड़ा है और उसके पास अब वक्त कम है। यह कुछ ही दिनों की मेहमान है। साधना के साथ यह सब होने के बाद शायद उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा कि उसने एक माँ से उसकी बेटी छीनी है और उसी की सज़ा उसे मिल रही है। इसलिए उसने हमारी बेटी मानसी को सारी हकीकत बता दी कि तुम मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरी सौतन की बेटी हो। साधना के मुंह से ये सच्चाई जानकर मानसी बहुत गुस्सा हुई और कहने लगी, जब तक मैं अपनी माँ से मिल नहीं लूँगी तब तक मैं शादी नहीं करूँगी और इसलिए यह दुल्हन के जोड़े में ही तुमसे मिलने तुम्हारे पास आ गई। मानसी को शादी के जोड़े में देखकर तुमने गलत अंदाज़ा लगा लिया और बेहोश हो गई। यह सुनकर मेरी जान में जान आई। मैं अपनी बेटी के पास आई और उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। हम दोनों माँ बेटी बहुत देर तक एक दूसरे से लिपट कर रोए। मेरे बेटी ने अपने शादी की डेट आगे बढ़वा दी। मैंने और मेरी बेटी ने ढेर सारी बातें की। मैंने अपने बेटी को अपनी ज़िंदगी का सारा सच बता दिया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और तुम्हारे पापा ने तुम्हें मुझसे कैसे छीना। मेरी दुख भरी कहानी सुनकर मेरी बेटी के तो होश उड़ गए कि मैंने उसके और अपने पति की यादों में अपना पूरा जीवन गुजार दिया। मेरी आप बीती सुनने के बाद मानसी तुरंत प्रदीप के पास गई और बोली, मैं और मेरी माँ एक पल भी आपके साथ नहीं रह सकते। मेरी माँ ऐसे शख्स के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती जो शादी कर अपनी पत्नी को तड़पने के लिए अकेला छोड़ दिया हो। और रही साधना माँ की बात, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा। अभी तक तो मैं उन्हें ही अपनी माँ समझती थी, पर उनका यह आखिरी वक्त चल रहा है। भगवान ने उनके किए की सज़ा उन्हें दे दी है। इन आखिरी दिनों में मैं उन्हें कुछ भी कहकर उनका दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ। माँ और मैं दोनों साधना माँ से मिलने हॉस्पिटल जा रहे हैं। यह सब सुनकर प्रदीप मेरे और मानसी के पैरों पर गिरकर रोते हुए गिड़गिड़ाने लगे कि ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊँगा। मानसी ने कहा, 20 साल पहले क्या आपने सोचा था कि मेरी माँ कहाँ जाएगी। आपको जहाँ जाना है आप जाइए, मैं और माँ अब आपके साथ नहीं रह सकते। आज मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूँ और बहुत खुश भी हूँ। इसलिए कहते हैं कि बुरा करने वालों के साथ आज नहीं तो कल बुरा ज़रूर होता है, क्योंकि भगवान की लाठी में आवाज़ तो नहीं होती लेकिन दर्द बहुत होता है। साधना और प्रदीप ने जो मेरे साथ किया उनके किए की सज़ा उन दोनों को मिल गई। साधना तो इस दुनिया से चल बसी और प्रदीप भरा पूरा परिवार रहते हुए भी खाली हाथ रह गया। धन्यवाद दोस्तों। Thanks for watching. Like, share, subscribe.